दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री अड्डा। और आज अपनी देखेंगे क्या क्या है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखिए देश में काफ़ी चर्चा है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर, तो आज अपने देखेंगे क्या है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन COP14 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय को बताया कि भारत जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मूल रूप से महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित रसायन मुक्त कृषि केमिकल फ्री फार्मिंग का एक रूप है। यह विधि कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो केमिकल फ्री है। इसकी खास बात यह कि केमिकल फ्री है और ये महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित की गई थी। इस विधि में कृषि लागत जैसे कि उर्वरक फर्टिलाइजर कीटनाशक पेस्टिसाइड्स और गहन सिंचाई इंटेंसिव इरीगेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसमें कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और इंटेंसिव इरीगेशन की है वो आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि के तहत चाहे किसी भी फसल का उत्पादन किया जाए उसकी लागत कॉस्ट है जो वो कॉस्ट या लागत मूल्य जीरो होनी चाहिए। कृषि कार्य हेतु आवश्यक सभी संसाधन हैं जो रिसोर्सेज है वो सभी हमारे घर पर अवेलेबल होने चाहिए। घर के रिसोर्स होने चाहिए जो अपने खेत में इनपुट है वो लगाते हैं। देसी प्रजाति के गोवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत घन जीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। खेत में इनका उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक घटकों का भी विस्तार होता है। यानी जो इनपुट है वो अपने घर से ही खेत में डाले जाते हैं, बाहर से कोई कोस्ट है वो नहीं लगाते। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक, पहला घटक होता है बीजामृत। यह प्रथम चरण होता है जिसमें गाय के गोबर गोमूत्र तथा चूना व खेत की मृदा से बीज शोधन किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। वो गाय के गोबर गोमूत्र चूना तथा जो खेत की मिट्टी होती है उससे उस बीज को उपचारित किया जाता है। दूसरा होता है जीवामृत। गाय के गोबर गोमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों का एक घोल तैयार कर किण्वन किया जाता है। किण्वन के पश्चात प्राप्त इस पदार्थ को उर्वरक व कीटनाशक के स्थान पर काम में लिया जाता है। देखिए जो इसका सेकंड कंपोनेंट है इसमें गोबर और गोमूत्र होता है जो गाय का, और कुछ अन्य जैविक पदार्थ है उनको फर्मेंटेशन कर और कीटनाशक उर्वरक की जगह इसको काम में लिया जाता है। इसका जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है मल्चिंग। इस मल्चिंग में देखिए इसमें जुताई के स्थान पर फसल के अवशेषों को भूमि पर आच्छादित कर दिया जाता है, यानी जो सोइल सरफेस होता है उसको कवर कर दिया जाता है मल्चिंग से। इसका तीसरा घटक क्या है, मल्चिंग। इसका चौथा घटक होता है वापसा। इसमें सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी एवं वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है, यानी इसमें सिंचाई को महत्व नहीं है, सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी और वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है। देखिए वर्ष 2015 में शुरू किए गए कुछ पायलट कार्यक्रमों की सफलता से प्राप्त अनुभवों को आंध्र प्रदेश में व्यवहार में लाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी जो आंध्र प्रदेश सरकार है इसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति अब लागू की और भारत का ऐसा करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। दोस्तों धन्यवाद, एक बार फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।